हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक शर्मा। आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि जो क्लोरीन छोड़ा जाता है वाटर में, वो कैसे छोड़ा जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, किस बातों की सावधानी रखनी पड़ती है, ये सारे चीज़ों को देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसेस को बताने वाले हैं। तो ये दो टैंक दिख रहा है आपको, दोनों टैंकों में क्लोरीन है। एक क्या है कि एक स्पेयर में रहता है और एक को यूज किया जाता है। कनेक्शन दोनों ही टैंक का रहता है, दोनों ही यूज, दोनों में से किसी एक का ही यूज कर सकते हैं। क्या है कि इसमें मीटर लगा रहता है, उसका प्रेशर पूरा देखते हैं। और जो ये ब्लिंक कर रहा है, ये क्या है, मीटर है। इसमें क्या होता है कि हम लोग को सेटिंग करना पड़ता है कि कितना पॉइंट्स हमारा क्लोरीन हो जाएगा तो अलार्म बजने लगे। वो क्या है कि खतरों के लिए, तो अलार्म बहुत ही ज़रूरी है ये सेट करना, क्योंकि ये सेंसर है, ये सेंस करेगा तो वो क्या है, अलार्म पे चला जाएगा और अलार्म बज जाएगी अगर ज़्यादा होगा तो। इसके लिए है, ठीक है। और ये है क्या, लिफ्टिंग के लिए, कि क्लोरीन को टैंक को जो भी है हम लोग को लिफ्टिंग कर सके, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, इसके लिए दिया गया है, ईओटी लगाया था, ठीक है। ये टैंक दोनों का हो गया है आपको। और ये क्या है, बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए कोई भी कभी भी चालू करेंगे तो इसको बहुत ही सावधानी से करेंगे, ठीक है। उसके बाद से सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें क्या है, ये बूस्टर पंप दिया है, ठीक। क्या करते हैं कि बूस्टर पंप को ही सबसे पहले चालू किया जाता है। क्लोरीन टैंक को आपको चालू करना है तो पहले बूस्टर पंप को ही चालू करेंगे, ठीक है। तो पंप को चालू करने से पहले क्या है कि इसमें वाल्व लगी रहती है, इसको क्या है कि ये क्लोरीन का है तो इसको ओपन कर देंगे, अगर क्लोज है तो, अगर ओपन है तो ठीक है। फिर ये जो है अपने को वाटर का है तो इसको भी ओपन कर देंगे। तो ये जब दोनों ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले कि क्या करें, बूस्टर पंप को चालू करेंगे। अगर इसमें भी वाल है तो आप वाल को उसको बंद कर दीजिए, उसके बाद से ओपन करें। क्योंकि क्या है ना कि पंप को, बूस्टर पंप को इसलिए चालू किया जाता है पहले कि क्या है, क्लोरीन जो है न्यूट्रलाइज होता है, मतलब मिक्स होता है पानी से, तो उसको पानी से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, अगर लीकेज हो रहा है तो, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे और ज़्यादा मात्रा में आपके नाकों में अगर चली जाती है आपके अंदर, तो ये इतना खतरनाक होता है कि आपको तुरंत डेड कर सकती है। इसलिए इससे करने के लिए बिल्कुल सावधानी से करें और पानी को ही पहले चालू करें, ताकि लीकेज भी हो तो पानी से मिक्स हो सके थोड़ा बहुत, अगर पाइपलाइन में हो तो, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, मोटर को पहले स्टार्ट कर लेंगे। तो अब देखिए मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, ठीक है। हमारा भी जब अभी फिलहाल में मोटर को स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैं, हमारा दूसरा मोटर स्टार्ट हो गया, मैं दूसरा मेन जिस जरूरत है उसको यूज़ करता हूँ। तो उसको स्टार्ट करने के बाद से यहाँ पे प्रेशर दिखाएंगे, जो पानी खींच रहा है उसका प्रेशर कितना है, जितना आपका मोटर की कैपेसिटी रहेगा उसके हिसाब से रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर लगभग बता रही है, मेरे मोटर की जितना कैपेसिटी उतना प्रेशर यहाँ पे अभी बता रहा है, ठीक। इसको स्टार्ट करने के बाद से अब क्या है, क्लोरीन को चालू करेंगे। क्या है, पानी जब मिक्स आ जाएगा तो उसको चालू करेंगे हम लोग क्लोरीन को। क्लोरीन को बिल्कुल ही सावधानी से करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, जैसे कैसे स्टार्ट कर रहे हैं ये आपको अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। आपके पास चाबी रहता है क्लोरीन को खोलने के लिए, या आप जो क्या पकड़ से खोल सकते हैं, किसी चीज़ से भी खोलने वाले जो हो खोल सकते हैं। वहाँ से है जो ये ऊपर वाला नोब है, उसको देख रहे हैं यहाँ पे जो अपने को पाइप कनेक्ट है उसी वाले को खोलना, वो भी थोड़ा सा खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना है। फिर यहाँ का क्या है, यहाँ पे प्रेशर भी देखेंगे कि कितना प्रेशर बता रहे, देखिए जैसे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर बता देगा कि कितना केजी तक का आपका क्या है प्रेशर बता रहा है। वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे आएंगे हम क्लोरीन सेट करेंगे, कितने केजी तक हमें सेट करना है, 1 केजी, 2 केजी, जितना भी सेट करना है उतना भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 5 केजी तक का प्रेशर हम लोग सेट कर सकते हैं। ये डिपेंड क्या करता है, आपको क्लोरीन जब छूटेगा तो यहाँ पे जो नोब हुआ ऊपर का आपको दिया है, इस नोब के थ्रू में हम सेट करेंगे, ऊपर से ज़्यादा कम है या ज़्यादा है, जितना सेट करना है कर सकते हैं। 2 केजी छोड़ते हैं नॉर्मली, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी तक भी कहीं कहीं भी छूटता है। वो आपका फ्लो कितना है उस पर डिपेंड करता है, और आपका टेंडर के हिसाब से क्या है कि कितना आपको छोड़ना है, ये आपको क्या है लैब में बताया जाता है। जब टेस्ट किया जाता है तो क्लोरीन ज़्यादा है कि कम है, ये सब कुछ क्या है इन्वायरमेंट वाले ही भी बताते हैं आपको कि कितना क्लोरीन छोड़ना है, उसके ऊपर ही होगा, ठीक। इसको सेट कर लेंगे उसके बाद से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लीकेज का ध्यान रहता है, तो यहाँ पे सब कुछ सेंसर लगा रहता है, पूरे यहाँ पे सेंसर लगा रहता है, कहीं भी लीकेज हो तो आपको लीकेज के द्वारा सेंसर सेंस करके अलार्म बजा दे। अलार्म कैसे रिसेट करते हैं वो भी सेट करेंगे, जैसे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको सेट करके आपको दिखाते हैं कितना है। अभी क्या है, 2 केजी से थोड़ा सा कम बता रहा है, हम यहाँ पर इसको क्या है कम करते हैं थोड़ा सा, तो 1 केजी आ रहा है। अब बढ़ाएंगे तो 2 केजी हो जाएगा, मतलब जितना लगभग लाइन टू लाइन आपको जो भी पॉइंट दिखा रहेगा 2 केजी का, वो पूरा दिखाना चाहिए, ठीक।
तो ये पूरा कैसे दिखेगा, आपको कम बेसिक करेंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक। आप पूरा अच्छे तरीके से सेट कर लीजिएगा। अब क्या है कि जो आपको टैंक के बगल में पानी दिख रहा, तो उसको मैं दिखा देता हूँ और बताता हूँ कि क्या कैसे इसको यूज, मतलब क्यों पानी दिया गया है, ठीक है। जैसे मैं एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पानी यहाँ पे है, टैंक बगल में ही है। तो ये क्या है कि जब भी कभी भी टैंक लीकेज हो तो टैंक को धक्का मार के इसमें गिराया जा सके, न्यूट्रलाइज कर किया जा सके, इसी के लिए दिया है। क्योंकि क्लोरीन टैंक को बहुत ही खतरनाक होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। इससे जितना ही सावधानी रहे उतना ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आप सेट जितना करेंगे, ये रिसेट का है, जब भी अलार्म बजे कभी गलती से बज गया तो उसको रिसेट यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिए इसको सीसीटीवी में दिखाते हैं कि कैसे इसका निकल रहा है फ्लो। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये फ्लो है, जैसे मतलब वहाँ से जो बुझबुझे बुझे जैसे फेंक रहा है, ये क्या है हमारा, वहाँ से क्लोरीन फेंक रहा है। दोस्तों अगर इसको बंद करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन बंद करेंगे, जैसे चालू किए थे वो क्लोरीन बंद करने के बाद से फिर मोटर बंद करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बंद करने का प्रोसेस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।